तो आज हम लोग मुर्गा का पंजा बनाने वाले हैं। उसके लिए बहुत मुर्गा का पंजा लाया हुआ हमने मार्केट से है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले हम लोग को इसके स्किन हटाना पड़ता है जो पीला पीला दिख रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को गर्म पानी में 1 मिनट तक डाल के रखना होगा इसको, तब आसानी से वाला हट जाएगा जो आपको स्किन दिख रहा है ऊपर से। तो चलिए इसको हम पानी में डालते हैं, फिर इसका स्किन हटाते हैं। तो हम इसको ज्यादा देर तक इस गर्म पानी में नहीं रखेंगे, मात्र 1 मिनट तक रखेंगे, उसका हम इसको छान कर निकाल लेंगे, फिर आपको इसका स्किन हटा कर दिखाते हैं कैसे इसका स्किन हटता है। और इसको हम निकाल लेते हैं छान के, करीब 1 मिनट हो गया गर्म पानी में डाले हुए इसको। तो चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं। तो एक मुर्गा का पंजा लेते हैं और इसको हम लोग ये वाला देखिए स्किन आराम से हट जाता है, और नहीं हटता है तो हल्का चाकू की मदद से आप इसको पकड़िए, आप इसको आराम से साफ कर सकते हैं। देखिए स्किन निकलने लगा, यही हम लोग को निकालना है इसमें से, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए आराम आराम से सबको निकाल लेंगे, देखिए ऐसे निकलता है इसका स्किन। सबको निकालने के बाद बताते हैं कि और क्या करना है इसमें। तो हमने सारे पंजे का स्किन निकाल दिया है, देखिए कितना साफ हो चुका है। अब इसका हमें नाखून काटना होगा, देखिए कितना बड़ा नाखून है उसको हम लोग काटेंगे। तो चलिए नाखून काटना शुरू करते हैं। तो एक पंजा ऐसे उठाएंगे, ऐसे हम लोग चाकू से इसको ये थोड़ा थोड़ा इसका हम लोग काट देंगे। देखिए सब नाखून कट गया, ऐसे ही सबको हम काट के बनाएंगे। देखिए आराम से कट जाता है चाकू से। सारे नाखून काट के इसको अच्छे से वॉश कर लिया, अब इसको सरसों तेल में फ्राई करेंगे। तो सरसों तेल गर्म हो गया, इसके अंदर हम डालते हैं पंजे को, अच्छे से फ्राई कर लिया है इसको हम निकाल लेंगे। देखिए चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिर्चा डाले हैं, तेजपात है, कुछ गरम मसाले हैं, फोरन डाल दिया हमने, इसी में प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन कर लेंगे पूरा अच्छे से। प्याज ब्राउन हो गया है, इसी में अदरक लहसुन का हम पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लिया हमने, इसी में मुर्गे का पंजा डाल के भूनेंगे। इसी में मसाला डालेंगे, तो यहाँ जीरा डाल रहे हैं 1 चम्मच, ये जीरा है 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्च 1 चम्मच, और इसी में नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले को मिलाने के लिए। मसाले को ऐसे ही कम आंच करके हम भूनेंगे। मसाले डाल के अच्छे से भून लिया है, इसी में हम टमाटर डालेंगे थोड़ा सा। टमाटर डालने से और भी अच्छा स्वाद बनता है इसका। मुर्गा का पंजा बन के रेडी है, अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे ऊपर से, इसको मिला देते हैं, आंच बंद कर देते हैं। आपको बंद कर दिया हमने, अब सर्व कर दिखाते हैं आपको।
यह मुर्गा का पंजा बन के हमारा रेडी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।